3, 2, 1 अरे भाई मजाक नहीं, मतलब मजा आ गया। ये इसका एरेट जा रही है अभी अभी गई है। ओए होए होए भाई क्या व्यू है भाई, मतलब ना जब बंदा इतनी ट्रैकिंग करके आ रहा है ना, मतलब हाइट देख रहे हो कितनी ज़्यादा है यार, 1 किलोमीटर ऊपर होंगे एल्टीट्यूड में, मतलब ओए होए बुरी हालत हो गई है भाई। पहले इस कैन को पी के खोल के पिए, क्या बोली जा रहा है भैया, पेप्सी का कैन भाई, अलग क्या खुशी होगी जिसको पी के। बैठते हैं थोड़ी देर यार पीछे यहाँ पे, औरों की वेट करें, मैं कल ले आ चुका हूँ, बाकी अभी आई गेस 37 पे होंगे। और भाई यहाँ पे ना वैसे बहुत चीज़ें होती हैं, मैं आपको अगर दिखा पाऊँ, पैराग्लाइडिंग हो रही थी यहाँ पे, पैराग्लाइडिंग होती है अभी, स्कीइंग भी होती है, बट आपको पता है अभी स्नो का मौसम नहीं है। मैं अक्टूबर में एक बार फिर से आऊँगा, ट्रिप प्लान करेंगे जब यहाँ पे स्नो होएगी, स्नो में ज़रूर आएंगे भाई। बट ठहर हुआ थोड़ा शांत हो दो, सेटल हो दो अभी, बाकी पता नहीं कहाँ रह गए मतलब। बट यार मैं एक चीज़ बताऊँ, देखो कुर्सी पर बैठो यहाँ से व्यू देखो, मतलब सुबह सुबह बंदा आ जाए, क्या व्यू है भाई, मतलब ओह मज़ा आ रहा है। और आपको एक चीज़ बता दूँ भाई, मैं व्यू तो ठीक है पर मेरी बैक की बैंड बच चुकी है, मेरी बैक में हद दर्द हो रहा है, क्योंकि 3-4 झटके गंदे बजे हैं चढ़ाई में, मतलब बहुत हद दर्द हो रहा है, क्या बताऊँ मैं भाई। एक बंदा तो आ गया है, दो तो अभी 33 पे है भाई, मतलब कौन सी रेस्ट लेने लग गए थे, मैं तो अभी घास पे लेट गया हूँ, मतलब ऐसे पता नहीं कौन सी उपलब्धि हासिल करे, जिंदगी जीत ली है वो हाल हो गया है यार, सच में मजाक नहीं है, बहुत बुरी हालत ही थी। अरे तू गिलहरी यार, ये दे पीछे जा रही गिलहरी है भाई, बहुत दुखी कर रही है, ऐसा सर के ऊपर से जाएगी भाई। अब भाई सर की मैं क्या जिंदगी है, लेटे रहो ऐसी, मजाक नहीं, मजा आ गया भैया। और क्योंकि ये हंसी आ रही है, ये जो स्काई रेट चल रही है, सॉरी यार टेडा टुडा कहना, स्काई रेट चल रही है, ये लोग 10 मिनट में आ रहे हैं यार, पर लॉस है भाई, $75 बोथ वेज है, हम $20 वन वे दे रहे हैं, तो देख लो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, पैराग्लाइडिंग अभी तो उड़ रहा था, कहाँ गया वो, पैराग्लाइडिंग भी है यहाँ पे, बथेरा कुछ है, तो देखते हैं यार भालू देखने चलते हैं भाई। एक तो वो दोनों पता नहीं कब आएंगे, पूछते नहीं तो आप भालू देख के आते हैं फिर। यार ये दो बंदे तो हमारे आ गए थे और अभी हम भालू देखने जा रहे हैं भाई, इन्होंने मेरा मजाक ही बना दिया है, मेरे को चूल्हा भालू देखने की मजाक बनाई जा रहे भाई, चलो भालू देखने जाने, तो ठीक है यार जाना भालू देखने, देख रहे उस साइड रास्ता। और भाई हमने मजा तो बहुत किया है, मैं काफ़ी टाइम बाद लॉक करूँ, टाश टूश खेली, बढ़िया मजा आ गया, तो चलते हैं भालू देखो, और यहीं से हमारी स्काई राइड भी जाएगी, तो पहले भालू देखेंगे, थोड़ी एक्टिविटीज़ भी देखते हैं, अगर सस्ती हुई तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं तो कर नहीं रहा हूँ, उसके बाद फिर वापसी। अभी तो नहीं जा रहे यार, 9 बजे आपकी स्काई रेड है, आराम से जाएंगे, क्या टेंशन है भाई। हमारा ग्रुप ना 2 में हो चुका है अब, क्योंकि ये कह रहे भालू नहीं है, मैं कहा भालू है भाई, फोटो बनी हुई है, जब क्यों नहीं होएगा भालू, तो हम चल ही रहे हैं भाई। इतनी लंबी लाइन ना स्काई रेड की लगी हुई, इतनी दूर से वहाँ से, और माउंटेन से प्लेन वगैरह भी काफ़ी कुछ है, तो रेट रूट पता करते हैं, होएगा भाई भालू, फोटो बनी हुई है यहाँ पे, देख के जाऊंगा मैं भालू। और यार वहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर आया हुआ, तो उसने बताया था, कहता है भालू, तो देखेंगे तो सही, तो एक बार चलते हैं यार वहाँ पे, बहुत कुछ है और काफ़ी कुछ है, तो देखते हैं एक बार जाके भाई। मैं कह रहा था भालू है, देखना कितनी पास से दिख रहे हैं, ओए होए होए भाई पंजा देख इसका, ओए वो रहा एक, वो इसका पंजा देखो, एक बढ़िया दिख गया भाई, देखना बिल्कुल पास से, ओए होए नहा के आया है ये, बढ़िया वर्थ इट तो लग रहा है, पहले जो जान निकाल लिया ना, और मतलब ठीक है यार भाई, देखना अभी भी ये रहा, यहाँ पे बहुत सही पानी चल रहा है, मैं तो अंदर जा भी रहा हूँ, ठंडक का एहसास ले थोड़ा, ये रहा भालू, एक नीचे जा चुका है यार इसके ना, वो थोड़ा ठंडक का एहसास ले रहा है, वो बढ़िया लग रहे हो भाई यहाँ पे, नाइस सही में मज़ा आ रहा है, सही है, ओए होए होए ठंडक भाई मज़ा आ गया, ओए होए वो पालू वास्ते गिर तो यहाँ पे रहा बिना, एक यार यहाँ पे गया है, आया क्या बाहर, अभी यहाँ से बाहर आया नहीं, यही नीचे है, अब क्या करें, दिख नहीं रहा, चलो देखना भाई, ओए होए 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 ओए होए होए होए, यहाँ पे रेनबो इफेक्ट भी आ रहा है, देखना कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब आपको दिख रही होगी, इसमें तो दिख रही है कैमरा में, एक भालू हो रहा, क्या दिख नहीं रहा वो दिख रहा है यहाँ पे कैमरा में पूरा आ रहा है, मज़ा आ गया यार, बढ़िया भाई बैठा फिर से भालू, ये रहा 2x में करते हैं यार, एक तो पानी के चक्कर में वो नहीं हो रहा, ये रहा भाई बढ़िया यार, मज़ा आ गया भाई, अब बर्ड्स वगैरह देखते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो हमने भालू तो देख लिया, भाजी कैसे लगे भालू, भालू बहुत आलसी बड़े थे लेकिन भालू हमारे कोई ना चलो। और यार हमें एक चीज़ बता दूँ भाई, मज़ा तो आ रहा है वैसे आज अपने, मज़ा तो पूरा है, जो नहीं आया ना रिग्रेट है भाई प्रॉपर, मज़ा आ गया। और हम अभी उल्लुओं से बातें करने जा रहे हैं, यहाँ पे आउट टॉक एक चीज़ है वो करने जा रहा है, और पैराग्लाइडिंग भी सामने हो रही है, वो बहुत छोटी दिख रही है, मतलब दिखेगी नहीं भाई, ये पैराग्लाइडिंग हो रही है बढ़िया, चलते चलो हम भालू भालू देख लिए सॉरी, अब हम आउट टॉक देखते हैं, तो चीज़ें ढूंढनी बड़ी औखी है यार यहाँ पे, भालू की औखी मिले थे हमें भाई। हम वापसी हो रहे हैं और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये स्कीइंग की जगह है, बर्फ़ होती है वैसे सर्दियों में यहाँ पे, तो यहाँ पे स्कीइंग होती है, देख लो रास्ता बना हुआ है,
और इधर चेयर कार्स भी चल रही हैं अगर आपको, हाँ वो ऊपर चेयर कार्स हैं तो ये सबसे ही है। हम वहाँ बैठ गए थे, बातें मारने लग गए थे, शरीर ठंडा ही हो गया, तो बिल्कुल चलते हैं। ये भालू है यहाँ पे, उल्लू देखते हैं, अगर नहीं मिले तो उसका रेड पकड़ के नीचे निकलते हैं यार वापस। टाइम भी भाई देख लो 6:40 हो गया, मतलब 7:45 ही हो गया, तो धूप देख लो यहाँ पे पूरी 4 बजे वाली है यार। हम नीचे तो आ गए थे, यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ होती है, कलर वो नहीं है ऊपर जो हमने दिखाया, एडवेंचर भी होता है बट इट्स क्लोज नाउ, वो देख लो। मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है और पेड है, रेट रूट मैंने इतने पता करे नहीं क्योंकि क्लोज हो चुका है। तो यार मतलब वर्थ इट तो है ये ट्रिप आज की हमारी, बस पैसा होना चाहिए तुम्हारी जेब में। अगर तुम्हारी जेब में 500 के आसपास है, 500 नहीं 350 के आसपास है ना, तुम आराम से एडवेंचर कर सकते हो यहाँ पे आके। बट मैं वही बता दूँ, हमने 350 भी नहीं खर्चा, हमने $20 लगाए हैं वो भी नीचे जाने के, हमने भी पैसे लगाया बट हमने इन्जॉय पूरा किया है, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा ही कर लिया हमने। और मैं एक चीज़ सबको बोलना चाहूँगा भाई, अगर मैं स्टोरी डालता हूँ ना, घूमने आया करो, आज हम चारों की बहुत अच्छी दोस्ती हुई है जो हम आए हैं, क्योंकि भाई बात करने का मौका मिल जाता है, दोस्त बन जाते हैं। जो लोग यहाँ पे मेंटली थोड़े सीख हैं, हमारे दोस्त नहीं बनते, हमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है, भाई ऐसी ट्रिप्स पे आ जाए करो। चलो निकलते हैं स्काई राइड की तरफ, सामने ही है, नीचे पहुँचे 2 घंटे अलग से घर जाने में लगेंगे, 2 या 2.5-3 ही लगेंगे यार। यहाँ पे इतनी चीज़ है ना ग्रॉस पे घूमने वाली, भाई ख़त्म ही नहीं हो रही यार, हद होगी। मैं जब जब सोचता नीचे स्काई राइड पे चलते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिख जाता है और हम घूम रहे हैं। अब यहाँ पे हमें कैफ़े दिख गया है, शॉप है सॉरी अंदर एक, तो इतना महंगा सामान भाई, वही है किलोमीटर ऊपर आए हैं तो महंगा तो होना है, इतना महंगा सामान है ना भाई, मतलब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, $40-$40 की टी शर्ट्स है। मैं अंदर शूट नहीं कर रहा क्योंकि वही है पॉलिसी है कि नो शूटिंग, तो इस चक्कर में, पर भाई चीज़ें बहुत है यार, मतलब इतना मैं व्लॉग में नहीं बता सकता बिकॉज इतनी चीज़ है भाई, व्लॉग इतना लंबा वैसे ही हो चुका है और लंबा जाएगा, बहुत चीज़ें हैं। घूमने आओ यार, एक बार वर्थ इट है, मतलब बिना पैसा ना भी हो ना पैसे जेब में कोई ना भाई, हम भी फ्री में आए हैं पर वर्थ इट है भाई बहुत ज़्यादा। भाई फाइनली हमारी ट्रिप ओवर हो गई है, किसी का मन अभी भी नहीं है, पर अब 8 बज गया तो हमें जाना पड़ेगा। एक मिनट टिकट चेक करा दो यार, क्योंकि इसका एरर डब जा रही है। भाई फाइनली हमारी ट्रिप होगी एंड, आ गए हम सी बस वगैरह से भी, बस एक्सपो लाइन पकड़ रहे हैं। और भाई वो जो स्काई राइड थी ना, मतलब उसमें ये हाल था, नीचे उतरते उतरते भी ना हमारी वो हालत होगी कि, मतलब नीचे उतरते क्या होता है प्रेशर डिफरेंस, मेरी वजह से चलेंगे, मतलब नीचे उतरते उतरते प्रेशर डिफरेंस इतना ज़्यादा आ रहा था, कान भी सुन्न हो गए थे भाई, ये हाल था। चलो कोई ना यार, और अभी हम वापसी तो हो रही, और पता नहीं आज क्या हुआ है, गेटवे पे तो स्विच बदल ही रहे हैं, स्कॉट रोड का स्विच भी ख़राब हो गया है, उस वजह से एक्सपो लाइन इफेक्ट हो रखी है, मतलब स्कॉट रोड पता नहीं कुछ बहुत चक्कर पड़ा हुआ है इनका, तो वो चक्कर है। अभी घर चलते हैं भाई, जान तो है ही है, इतनी थकावट है पर इतनी ही है ही है, इतनी तो चले जाएंगे, तो चलते हैं अरे बार वापस निकलते हैं, अब घर जाके मिलता हूँ। चार मैं घर तो वापस आ गया हूँ, और भाई पर्सनल ओपिनियन दू, आई एंजॉयड द बेस्ट यार, मतलब जिन लोगों को मैं जानता नहीं, मैं आज तक गया भी नहीं, मैं जिनको जानता भी था उनके साथ मैं इतना खुला ना भाई, आई एंजॉयड द बेस्ट, बहुत सक्सेसफुल ट्रिप थी यार, मज़ा आ गया, पूरा दिन पेल है भाई, पूरा दिन हद यार, और अभी कोई दर्द नहीं हो रहा, एनर्जी मेरी अभी भी फुल है, नींद चाहे आ रही है पर मैं को एक और चढ़ाई करा लूँ, मैं कर लूँगा, पर तो कल मेरी लातें दुखेंगी ना भाई, मेरे को पता है बुरी हालत होने वाली है कल। और ऊपर से यार इनका जो एक्सपो लाइन का पंगा पड़ा हुआ है ना, स्काई ट्रेन में बहुत दिक्कत आ रखी है, मतलब मैं रहता हूँ, मतलब मैं किंग जॉर्ज से स्काई ट्रेन पकड़ता होता हूँ, किंग जॉर्ज से स्कॉट रोड जाने में भाई आधा घंटा 45 मिनट लग रहे हैं, क्या चल रहा है दोस्त चौप के लिए। चलो छोड़ो यार, और हाँ मेरा व्लॉगिंग में आज रिटर्न तो कर लिया मैंने, हरोजी व्लॉग आया करेंगे भैया, मैं हरोजी व्लॉगिंग करूँगा वो ही पॉजिटिविटी के साथ, बीच में बहुत मेरा रोना धोना यार, बीच में मेरे थोड़े भाई दिन ख़राब हो गए थे, पिछला हफ्ता मेरा बहुत गंदा निकला है, मतलब बीच में थोड़े दिन ख़राब हो गए थे, तभी मैंने ब्रेक ली थी, कुछ चीज़ें सॉर्ट करनी थी, होगी कुछ हद तक पड़ियाँ बाकी, तो मैं वो अभी ला नहीं रहा हूँ, आगे कभी आगे टाइम आएगा तो मैं बताऊँगा क्या दिक्कतें हैं। बाकी चलो छोड़ो, अब और कुछ नहीं भाई, और यार हाँ काफ़ी स्टूडेंट्स की मैंने बीच में हेल्प नहीं करी है, वैसे मैंने रिप्लाई तो हो सका जितने दिए हैं, बट यार किसी का रह गया मेरे को वापस DM कर देना, कोई दिक्कत आ रही है मुझे बता देना, तुम्हारा भाई बैठा है हेल्प करने के लिए,
कोई चक्कर वाली बात नहीं है उसमें, और आगे भी ऐसे ट्रिप्स और मैं प्लान करूंगा भाई। आज वाली तो बहुत सक्सेसफुल थी यार, मज़ा आ गया, मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया। मेरे को बाकियों का नहीं पता किया हो गया उन्होंने ऑब्वियसली, मैं बहुत खुल के हंसा यार। इतने टाइम बाद जो मेंटल रिलीफ मिला है ना वो अलग था यार, जाया करो भाई, बहुत मज़ा आता है। जिनको लगता है ना हमारे दोस्त नहीं बन रहे, आया करो प्लीज़। और अभी मैं व्लॉग को यहीं एंड करूँगा भाई, क्योंकि अभी बज रहे हैं 10:45 सॉरी, और सुबह सुबह 8:30 क्लास है, और जो स्काई ट्रेन का पंगा है तो हमें 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा ताकि हम क्लास जल्दी पहुँचे, तो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। तो अभी मैं व्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मेरे को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।